हेलो, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग वैल्यूएशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यूएशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ वैल्यू। टाइप्स ऑफ वैल्यू जो होते हैं 8 तरह के हैं। पहला है बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, स्पेकुलेटिव वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू एंड सेंटिमेंटल वैल्यू। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग बुक वैल्यू पे कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग जैसे कि इन जनरल आप लोग जब कहीं कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम ये चीज़ बुक कर लिए। सपोज आप एक टीवी बुक कर लिए, घर बुक कर लिए, ठीक है। तो बुक करने का मतलब है कि अकाउंट बुक में जो बुकिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। अकाउंट में लिखा हुआ है कि ये आदमी इतना प्राइस का ये टीवी खरीदा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। अब इसको निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला भी है जिसका बुक वैल्यू का है, वो है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन डिप्रेसिएशन, ठीक है। तो अब ये डिप्रेसिएशन क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिप्रेसिएशन क्या होता है। तो अच्छे से समझिएगा, इसका यूज हम लोग आगे न्यूमेरिकल में भी करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये जो डिप्रेसिएशन होता है, जैसे किसी भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो घर हो, मोबाइल हो, कार हो, कोई भी चीज़, जो भी प्रॉपर्टी है, मशीन है कोई भी, है ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे क्या करती है, अपना वैल्यू खोने लगती है। वैल्यू खोने लगती है कहने का मतलब कि उसका प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि अगर सपोज एक आईफोन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो 70,000 में पहले लॉन्च होती है, फिर 2-3 महीने में ही 40-45 पे आ जाती है, और फिर साल भर के एंड होते होते 20-25 हज़ार में वो आ जाता है, ठीक है। तो ये उसके मंथ वाइज वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या आप उसी तरह किसी बिल्डिंग का ले लो, तो बिल्डिंग जैसे कि कोई 1 करोड़ में बनी है, तो 2 साल बाद, 1 साल बाद उसका 95 लाख्स हो जाता है, फिर अगले साल 90 लाख्स हो गया, फिर 2 साल या 5 साल बाद, हर 5 साल बाद ही रख लो, 5 साल बाद क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जो उसका प्राइस जो घटता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से जो वो उसका प्राइस वैल्यू जो घट रहा है, उसी को हम लोग, ये जो डिक्रीजिंग प्राइस है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का, अच्छे सुनिए, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। मतलब उसके प्राइस का क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब है कि इसमें जो डिप्रिसिएशन है, सपोज कीजिए कि एक बिल्डिंग जो है 2008 में बनी थी, जिसका कॉस्ट था 5 लाख्स, ठीक है। इस बिल्डिंग को 2018 में कोई खरीदना चाहता है और उसे ये मिला सपोज 1 लाख। तो यहाँ से हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि डिप्रिसिएशन जो है वो कितना हो गया, 4 लाख। डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है। अब अगर हम एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, एनुअल डिप्रिसिएशन अगर निकालना चाहते हैं, अगर हम एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना चाहें तो कितना होगा एनुअल डिप्रिसिएशन, कोई बता सकता है। सो एनुअल डिप्रिसिएशन क्या होगा, कितने साल थे, 2008 से 2018, मतलब कि हो गया आपका 10 साल। तो 10 साल में वो कितना घट गया, 5 लाख का था, 1 लाख बाद में हुआ, मतलब 4 लाख, और 10 साल का है, 10 लाख्स में अगर एनुअल डिप्रेसिएशन निकालना है आपको, क्या निकालना है, एनुअल डिप्रेसिएशन, तो हो जाएगा 4/10, मतलब कि 4/10, मतलब कि 0.4 लाख्स। तो एनुअल डिप्रेसिएशन क्या आ गया आपका, 0.4 लाख्स आ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल डिप्रेसिएशन बोलते हैं। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टीज का बुक वैल्यू आपको निकालना है, तो बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस डिप्रेसिएशन करते हैं, तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये है आपका बुक वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अगर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बुक वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि वो बुक किया था 2008 में, बुक वैल्यू 2008 का क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट और डिप्रिसिएशन 2007 तक जितना वो घटा होगा वो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा आपका, बुक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सो तो दिस इज द बुक वैल्यू, दिस इज द बुक वैल्यू। सो नेक्स्ट इज स्क्रैप वैल्यू, नेक्स्ट इज स्क्रैप वैल्यू।
देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक है स्क्रैप वैल्यू, एक है स्क्रैप वैल्यू और एक है स्क्रैप वैल्यू और एक है सेलवेज वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों पे हम एक बार में ही समझेंगे क्या होता है। सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग जैसे कि कोई भी अपार्टमेंट जैसे 70 साल या 100 साल के लिए बनाया जाता है, इतना सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। कोई भी जो अपार्टमेंट या अपार्टमेंट होती है वो 70 साल या एक 100 साल के सोच कर वो डिजाइन की जाती है। ठीक है, अब वो 70 साल में वो क्या हो गया, टूट गया, 70 साल में वो रहने लायक नहीं था, उसको हम लोग डिसमेंटल कर दिए। यहाँ एक वर्ड है डिसमेंटल, ठीक है, तो ये डिसमेंटल का मतलब होता है कि उसको तोड़ देना, गिरा देना, है ना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो डिसमेंटल समझिएगा, तो डिसमेंटल कर दिया गया किसको, बिल्डिंग को 70 साल बाद। तो डिसमेंटल, जब आप किसी बिल्डिंग को देखे होंगे, डिसमेंटल होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, डोर निकलेगा, विंडो निकलेगा, आयरन रॉड्स मिलेंगे, बार मिलेंगे, है ना। तो ये सारे चीज जो है स्क्रैप, स्क्रैप जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको जब आप मार्केट में बेचोगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा आपको, कुछ तो पैसा मिलेगा ना, है ना, भंगार जिसको बोलते हैं, भंगार में बेचेंगे तो जो बेचेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अब सेल्वेज वैल्यू क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। सपोज ये 70 साल के लिए जो डिजाइन किया गया था बिल्डिंग, 70 साल बाद देखा गया कि ये बहुत अच्छे तरीके से अभी भी ये कुछ साल और सरवाइव कर सकता है, मतलब इसमें और भी लोग रह सकते हैं, अभी और भी साल क्या रह सकते हैं, लोग रह सकते हैं, तो इसको हम लोग 10 साल और चलाते हैं, मतलब 70 से 80 साल में तो 10 साल और चला, डिसमेंटल नहीं किए हम उसको, 10 साल और यूज किए। तो जो 10 साल और जो यूज कर रहे हैं आप, तो ये जो 10 साल हुआ, 10 साल यूज किए तो उसका आपको कुछ पैसा मिला होगा, जैसे सपोज कीजिए आप रेंट में रखे होंगे या जो रह रहे होंगे उनसे आप पैसा ले रहे हो, मतलब 10 साल में जो आपको पैसा बचा, जैसे आप वहाँ छोड़ के, जब डिसमेंटल हो जाता तो आप छोड़ के कहीं और रहते, तो वहाँ की जगह पे आप उसी जगह रह रहे हैं, तो ये 10 साल का जो आपको सेविंग हुआ, उससे जो आप पैसा मिला आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। उसको वैल्यू क्या बोलते हैं, सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं, मतलब जो उसका यूटिलिटी पीरियड है, जितने के लिए उसको डिजाइन किया गया, अगर उससे ज्यादा वो काम करता है और वो जो एक्स्ट्रा काम आपको मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल समझिएगा मशीन से। सपोज आप कोई एक मशीन खरीदते हैं, सपोज वो वॉशिंग मशीन हो या किसी भी टाइप का मशीन हो, वो आप 10 साल के लिए खरीदते हैं, ठीक है, 10 साल के लिए खरीदे, अगर 10 साल बाद वो क्या हो गया, बंद हो गया काम करना, तो आप उसको बंगार में बेच दिया, आपको कुछ वैल्यू मिला, तो वो हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू, वो क्या हो गया, स्क्रैप वैल्यू। सपोज 10 साल के बाद वो 1 साल और चला गया, तो 1 साल और चल गया, तो 1 साल का जो आपको, 1 ईयर्स का जो आपको बेनिफिट हुआ है, जो भी पैसा आपको बचा है या जो भी पैसा उससे आया है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सैलवेज वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया स्क्रैप वैल्यू क्या है और सैलवेज वैल्यू क्या है, ठीक है। सो ये आ गया आपका सैलवेज वैल्यू। नेक्स्ट जो है स्पेकुलेटिव वैल्यू। स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या होता है, स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या है, सो स्पेकुलेटिव वैल्यू जो होता है कि सपोज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आपस में ही, मतलब एक रिमर्स नहीं बोल सकते, बट क्या होता है कि एक ट्रेंडिंग चलता है कि हाँ ये जगह का जो जमीन है वो बढ़ने वाला है, उसका रेट बढ़ने वाला है, स्पेकुलेशन ऐसा होता है, और जिससे क्या होता है कि लोग वहाँ के जमीन क्या करते हैं, खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और सडन वहाँ का वैल्यू जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। हालांकि वहाँ का वैल्यू उतना है नहीं, लेकिन स्पेकुलेशन होने के कारण कि कुछ समय में इन फ्यूचर वो राइज करेगा, तो वहाँ पे लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं और उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव वैल्यू बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, परचेजिंग ए प्रॉपर्टी एंड देन सेलिंग विथ प्रॉफिट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड इज नोन एज स्पेकुलेटिव वैल्यू। स्पेकुलेटिव वैल्यू में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे अगर मार्केट राइज करने वाला है तो आप लैंड खरीद लेते हो और कुछ ही दिनों में फिर उसको बेच देते हो, जब वहाँ का पैसा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव वैल्यू। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू जो होता है कि कभी कभी आपका जो वैल्यू है, जो मार्केट में वैल्यू है वो ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश आपको वो प्राइस नहीं मिलता और उससे कम प्राइस में आपको बेचना पड़ता है या उससे कम में ही आपको
एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। जैसे कि सपोज आप एक बिल्डिंग ऐसा जगह बनाए, अभी नया नया बिल्डिंग था, पूरा मार्केट सब चीज़ ठीक था, सडन वहाँ पे राइट्स स्टार्ट हो गए, वहाँ वॉर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, जो मार्केट वैल्यू है उससे भी कम दाम में आप क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो वो जो वैल्यू आया आपको, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। इसमें और भी कुछ रीजन है, जैसे इंटेंशन टू फेवर परचेजर, आपका इंटेंशन है किसी को, जब आप बेच रहे हैं तो आप उसको कम दाम में बेच दे रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ सेलर, जैसे जो आपका, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो हम इंडियन कल्चर का लेके चलते हैं, कि जैसे आपको बेटी को शादी करना है तो आप क्या करते हैं, जहाँ आपको 20 लाख का जमीन है लेकिन आपको अभी पैसा का बहुत ज़रूरत है और आपको बेटी का शादी नहीं होगा, तो आप 20 लाख का जमीन क्या करते हैं, 15 लाख में बेच देते हैं, 10 लाख में बेच देते हैं। तो उस टाइप का वैल्यू जो आप लगाए अपना प्रॉपर्टी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। बार बार अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि व्हाट इज मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को आप सेल करने के लिए ओपन मार्केट में छोड़ दीजिए, जो आपको प्राइस मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, मोनोपोली वैल्यू। प्रॉपर्टी हैविंग सर्टेन एडवांटेज विद एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी लाइक साइज, शेप एंड लोकेशन। कहने का मतलब है कि आप जो जहाँ पर रह रहे हैं, सपोज वहाँ पे एक बहुत सुंदर घर बना दिया कोई, ठीक है, वैसा कहीं कोई बना ही नहीं पा रहा है ना, एक्सेप्शनल, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, उसका शेप बहुत अच्छा है, या साइज अच्छा है ना। तो इस टाइप में क्या होता है कि अब सारे लोग उस बिल्डिंग को देखने आ रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, वो बिल्डिंग आपके लिए मतलब कि उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो आप उसमें क्या करोगे, मोनोपोली मनमाना करोगे, नहीं सब उसी प्रॉपर्टी का, दूसरे के पास भी सेम प्रॉपर्टी है बट आपका केवल शेप अच्छा है, तो आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, ज़्यादा दाम में बेचते हो, ठीक है। तो वो हो गया मोनोपोली, आपका अपना मनमाना किए, हालांकि मार्केट प्राइस कुछ और है, मार्केट वैल्यू कुछ और है, बट आप क्या कर रहे हैं कि आप शेप साइज है इस टाइप से कुछ उसमें बेनिफिट है आप में, तो आप उसका क्या करते हो, ज़्यादा प्राइस लेते हो। सिंपल इसको और समझे तो, जैसे कि आप ज़मीन जब खरीदते हैं तो बहुत रेयर होता है कि आपको स्क्वायर ज़मीन मिले, है ना, कुछ का रेक्टेंगल, किसी का ट्रेंगल, मतलब पॉलीगन टाइप का इरेगुलर शेप में मिलता है, लेकिन जो अगर रेगुलर शेप में है, साइड में रोड्स हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप क्या करते हो, मोनोपोली करने लगते हो और उसको क्या बेचते हो, बहुत ज़्यादा दाम में बेचते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू क्या होता है, सेंटिमेंटल वैल्यू मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए जैसे कि हम लोग का जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ, जैसे मेरे दादा का घर था, मेरे पूर्वज का घर है ना, तो आप क्या करते हो, उसको बेचना ही नहीं चाहते हो, चाहे तो आपको कितना फैंसी प्राइस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप बेचना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि उससे आपको क्या जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंटल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। समटाइम्स सेंटिमेंट्स फीलिंग अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी के साथ क्या हो जाता है, सेंटिमेंट जुड़ जाता है, तो आप क्या करते हो, बहुत अच्छा प्राइस होने के मिलने के बाद भी आप उसको क्या करते हो, नहीं बेचते हो। दिस वैल्यू इज नो एनी रिलेशन रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू, तो ऑब्वियसली इससे मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। ओके, थैंक यू।